हेलो दोस्तों, आज के मेरे नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को यह बात बताने वाला हूँ कि रनिंग करने से पहले हम थोड़ा एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज इसलिए करते हैं ताकि हमारा कुछ बॉडी जो है सो गर्म हो जाए और हम लंबी समय तक लंबी दौड़ लगा सकते हैं। आखिर हम वो एक्सरसाइज है क्या, चलिए मैं आप लोगों को करके बताता हूँ। और वो एक्सरसाइज रनिंग से पहले आप लोग जरूर कीजिएगा। करने से क्या होता है कि कोई कोई हमारा अंग ऐसा होता है बॉडी का जो पूरी तरह से नॉर्मल रहता है। सो के जब हम उठते हैं तो पूरी तरह से वो नॉर्मल रहता है। जब एक्सरसाइज हम कर लेंगे तो पूरी तरह से खुल जाएगा और दौड़ने में हमारा जो है सब मदद करेगा। तो चलिए हम वो चीज़ वो एक्सरसाइज को आपको सामने फीलिंग करते हैं, दिखाते हैं कि कैसे है। और वो एक्सरसाइज आप लोग जरूर कीजिएगा। पहला टिप्स आखिर है कैसा, तो सबसे पहले आप अपने पैरों को ऐसे कीजिए, पहले ऐसे इसको मोड़िए, ऐसे चार से पांच बार, पांच से दस तक आप ऐसे कीजिए उसको दौड़ने से पहले। उसके बाद दो नंबर में आपको थोड़ा थोड़ा उछाल मारना है, पहले थोड़ा 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 उछाल मारना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद ऐसे करना है, ये करना और ऐसे पूरा सर पूरा ऊपर करना है, ऐसे पूरा ऐसे ही बॉडी को इंक्रीज करना है और सर को जितना ऊपर हो सके उतना ऊपर टलना है। इससे होगा कि हमारा पूरा नस जो है खुल जाएगा और हाइट में भी अपना इंक्रीज करेगा। उसके बाद में ऐसे दोनों पैर को पहले स्ट्रेच एक हाथ के दूरी पर पहले कर लेना है, एक हाथ के दूरी, देखिए हमारा हो रहा है, एक हाथ के दूरी पर कर लेना है। और उसके बाद में ऐसे करना है, ये हाथ को जो है इस हैंड को जितना हो सके उतना पीछे करना है, जितना हो सके उतना ऐसे। और ये जो हमारा जैसे हाथ जिसर जा रहा है उधर ही हमारा ये गला भी जाना चाहिए, भेंट में वैसे ही जाना चाहिए। जैसे ये जो हमारा हाथ ऊपर जाएगा गला भी हमारा उसे ही घूमेगा। जैसे ये देखिए एक्सरसाइज जो बताने जा रहा हूँ इसमें आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है और हैंड को जितना तेज में आप पैर चलाइए, जितना तेज में पैर चलाइए, जितना तेज में उतना तेज में ही ये भी हाथ दोनों हैंड ऐसे ऐसे चलना चाहिए, ऐसे ऐसे करना चाहिए। देखिए मैं कैसे बताता हूँ, ऐसे ऐसे आपको ही करना है। ऐसे ऐसे करने से क्या हुआ कि हमारे दौड़ते समय हाथ का घुमाने का अभ्यास भी बन जाएगा और हमारा हाथ जितना दौड़ने में सबसे पहले हाथ का हमारा बहुत भूमिका होता है, हैंड का, दोनों हैंड का, क्योंकि जितना तेज ये हाथ बढ़ता है उतना ही तेज में हमारा जो है सो पैर भी बढ़ता है भी बनेगा और आपका जो है सो सांस भी बन जाएगा। पहले जब बॉडी गर्म हो जाएगा तो सांस भी बनेगा। सांस बनने से होता क्या है कि हमारे दौड़ने में थोड़ा सा और इंक्रीज हो जाएगा और लंबे समय तक हम दौड़ भी सकते हैं। तो आप इस रूटीन को जरूर फॉलो कीजिए, दौड़ने से पहले थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज करने से हमारा पूरा नस जगता है और बॉडी में पूरा हीटिंग आने लगता है जिसकी वजह से हम लंबी समय तक दौड़ लगा सकते हैं। तो वह मैं अपने ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं और आप लोग इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कीजिएगा।